आप अपनी वीडियो के ऊपर कितनी मल्टीपल एड लगा सकते हैं और उसका क्या प्रोसेस है, कैसे वो लगेगी, वो सब जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। मैं हूं आपका दोस्त अमन प्रभाकर, आप देख रहे हैं अमन टेक्नीशियंस, और आज आपके लिए लेके आ चुके हैं हम एक ऐसी इन्फॉर्मेशन, मोस्टली लोगों को पता है लेकिन जिन लोगों को नहीं पता मैं उसके लिए बताना चाहता हूं, उनकी जानकारी के लिए, कि अगर आप यूट्यूब के ऊपर 8 मिनट की वीडियो बनाते हैं, 8 मिनट या 8 मिनट से ज्यादा की वीडियो, 8 मिनट से ज्यादा की वीडियो, तो उसके ऊपर आप मल्टीपल एड लगा सकते हैं। वो एड कैसे लगेंगी वो आपको भी मैं वीडियो में शो करूंगा, तो आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। और अगर आप 8 मिनट से कम की एड लगाते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही एड प्ले होती है और वह हर बार प्ले नहीं होती, कभी कभी प्ले होती है कभी कभी नहीं होती। तो 8 मिनट की वीडियो से मेरा मतलब ये नहीं है कि कुछ मर्जी बोलते जाओ आप आ गए, ये काम नहीं करना आपने, आपको जेन्युइन एक वीडियो बनानी है जो किसी काम की हो, क्योंकि आपका तभी CTR बढ़ेगा, तभी वॉच टाइम अपग्रेड होगा और तभी आपके वीडियो पे व्यूज आएंगे, क्योंकि आपके वीडियो को YouTube रिकमेंड करेगा। क्या होता है ये CTR, क्या होता है वॉच टाइम, अगर आपको जानना है कंप्लीट डिटेल इसके बारे में कैसे ये बढ़ेगा, उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट डालें। बाकी लेके चलते हैं सीधा वीडियो की ओर, और किस तरीके से क्या क्या करना है सब दिखाते हैं आपको। तो आ चुके हैं हम मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। मोबाइल के स्क्रीन पे आने के बाद में हम बात करते हैं, पहले सीधा हम अपना साइट खोल लेते हैं क्रोम के अंदर। क्रोम के अंदर आप डेस्कटॉप ऑप्शन से खोल सकते हैं, इधर से जा करके डेस्कटॉप साइट से खोल सकते हैं, सिंपल आप क्रोम भी खोल लेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद में हमें करना क्या है, हमने आपके लिए साइट खोल के रखी थी पहले से ही क्रोम के अंदर ही, तो हम एक 8 मिनट की एक पुरानी कोई सी भी वीडियो ले लेते हैं, जैसे कि उसमें ऐड लगाई कैसे जाए। जब का आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा उसके बाद में आप ये कार्य कर सकते हैं। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं हाउ टू क्योर पिजन इन विंटर, हम इस वीडियो को उठाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और इस पर इसको एडिट कर देते हैं। एडिट पर क्लिक करने के बाद में जब हम आते हैं तो कुछ ओवरऑल वीडियो हमें इस तरह का दिखता है, जिसमें हमने थंबनेल वगैरह सब चीज़ें लगा रखी हैं। लगाने के बाद में आपको सबसे लास्ट में एक डॉलर का आइकन दिख रहा होगा, हम इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अब क्या रहेगा, अब आपके सामने सारी एड्स शो हो रही हैं कि मेरी वीडियो के ऊपर टाइप्स ऑफ ऐड कौन कौन सा चलेगा। ओवरले एड्स भी चलेंगी, स्पॉन्सर कार्ड भी चलेंगे, स्कीपेबल एड्स भी चलेंगी और नॉन स्कीपेबल वीडियो एड्स भी चलेंगी। उसके बाद ड्यूरिंग मिड रोल एड्स में अगर हम मिड रोल मैनेज मिड रोल एड्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में देखिए इसमें एक ही एड ऑटोमेटिकली बीच में लगी हुई है और बाकी जो है वो है। बाकी अगर हमें मल्टीपल एड्स लगानी है तो हमें इसके लिए कर्सर नीचे दिया हुआ है ब्लैक कलर का, ये देखिए जैसे जैसे मैं इसे हिला रहा हूँ वैसे वैसे ही हिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ऐड लगाई जाए, तो ऊपर ऐड ब्रेक लिखा हुआ है, ये देखें आप, इस पर क्लिक करेंगे एक ऐड यहाँ लग चुकी है। फिर हम चाहते हैं कि 4 मिनट के बाद एक ऐड लगाई जाए, तो एक ऐड यहाँ पे हमने लगा दी। फिर हम चाहते हैं कि 6 मिनट पर ऐड लगाई जाए, तो एक ऐड हमने यहाँ लगा दी। एक वीडियो के ऊपर हमने 4 ऐड लगाई हैं, तो 4 ऐड सफिशेंट होती है, क्योंकि हर बार ऐड नहीं चलेगी, कभी कभार चलती है। उसके बाद हम इसे कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू करने के बाद में इसको हम ऊपर से सेव पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारी एड्स जो हैं सेव हो चुकी हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ वापस से, ये देखिए आप जहाँ जहाँ हमने एड्स लगाई थी वहाँ वहाँ पे लग चुकी है ये। इसके बाद में ये ओवरऑल प्रोसेस है एड्स मल्टीपल एड लगा करके अपनी अर्निंग को बढ़ाने का यूट्यूब के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा जरूर डालिएगा कमेंट सेक्शन में, और इस तरीके से आप मल्टीपल एड लगा करके अर्निंग को अपनी बढ़ा सकते हैं। लेकिन मल्टीपल एड इतनी ज्यादा मत लगा देना कि दूसरा बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाए, वो चले जाए। मल्टीपल एड्स हमेशा लगाने का स्थान कहाँ पे होता है, जहां पे आपको लगता है कुछ सस्पेंस क्रिएट हो रहा है वहां पे आप मल्टीपल एड लगा सकते हैं, 2, 3 या मैक्सिमम 4। ऐसे नहीं कि 8 मिनट की वीडियो बनाई 25 एड लगा दी उसमें आपने, कोई नहीं देखेगा मेरे भाई, भाग जाएंगे सर डर के मारे, ठीक है। तो छोटी वीडियो बनाए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पूरी वीडियो के अंदर, वीडियो का फ्लो नहीं टूटे बिल्कुल भी आपकी, फ्लो इन द सेंस, फ्लो का मतलब फ्लो, बंदा अगर बैठ जाए तो वो ये ना कहेगा स्किप कर दूं, नहीं पूरी वीडियो देख के जाए, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जोन सा नया टॉपिक है जो देना चाहते हैं आप मुझे मेरे होमवर्क पे, आप वो डालिए कमेंट सेक्शन में, उसके ऊपर वीडियो बनाने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तक ले गुड बाय, धन्यवाद आपका वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।